उसके लिए हमें उन्होंने नेहरू प्लेस के लिए बोल दिया कि आप नेहरू प्लेस चले जाओ, और ये लोग ना फोन नहीं उठा रहे थे, अगर ये लोग फोन उठा ले रहे ना तो हमारा चक्कर बच जाता, हम इतनी दूर नहीं आते। अपना पंजाब होवे घर दी लस्सी होवे, लस्सी नू पी के जल्दी तो मैं खसी हो जावा। आई नी सवेरे सवेरे लस्सी 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 लस्सी, जल्दी दसो कौन कौन पिएगा, कौन कौन पिएगा, कौन कौन पिएगा। सबसे मुश्किल काम होता है जब बंदा ट्रेवल करके कहीं से बाहर से वापस आता है ना, और सारा का सारा सामान संभालना पड़ता है ना भाई साहब, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत होती है। और मैंने ना लस्सी इसी करके पी क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था, थक गया था, और मैंने कहा चलो लस्सी पीते हैं, काफ़ी देर हो गई है काम करते करते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी मैं थक गया था यार, क्योंकि कमरा पूरा गंदा कर दिया था। मम्मी कहती भाई ये क्या कर दिया क्या कर दिया, मैंने कहा चलो यार मैंने कमरा साफ करता हूँ, आप हमारे लिए एक लस्सी वस्सी बना दो। लस्सी पी ली है और कैमरे को उठा लिया है, कैमरा इसी करके उठाया क्योंकि हमने बनाना है आज व्लॉग। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। सो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और व्लॉग स्टार्ट है। वहाँ पर खड़ी कर दी है, और पता है ये जो जगह है ना, ये जगह कभी आज तक मेरे को खाली नहीं मिली है। मैं जब भी कभी यहाँ पर सुबह के टाइम पे आऊँ ना, सिर्फ तभी ही पार्किंग वगैरह मिलती थी, अदरवाइज ना गाड़ी खड़ी करने की ना यहाँ पर जगह ही नहीं होती थी। तो इस टाइम पे सारे कॉम्प्लेक्स की ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की दुकान ही खुली हुई हैं या सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं। तो सर्विस सेंटर ही जा रहे हैं हम लोग, लिनोवा का टैब इसके अंदर है, और वो पीछे बातें कर रहे हैं, अपनी बिजनेस मीटिंग्स की बातें चल रही है उसकी, और हम चलते हैं फटाफट आगे। ठीक है आ जाओ जल्दी आओ चले। वैसे आज मौसम बहुत सही है, बट कल तो भैया गर्मी इतनी ज़्यादा वाली थी ना, सुबह गर्मी थी बट शाम को मौसम ठीक हो गया था, और उसके चक्कर से ना आज इस टाइम पे मौसम ठीक है। ये ना उस कॉर्नर में कहीं लग रहा है, मतलब उस साइड पे। ये भैया से पूछ ले, काम कर भैया से पूछ ले। भैया डीडीए बिल्डिंग कहाँ पे है? बिल्डिंग नंबर टू। बिल्डिंग नंबर टू यार सामने वाली है, डीडीए बिल्डिंग ही कहते हैं ना उसको। ठीक है भाई आ जाओ आ जाओ। जिस काम के लिए जाने हाँ उसके ग्राउंड फ्लोर में भी तेरा मैकडॉनल्ड है, तो फिर चलते हैं फिर मैकडी। फिर इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई, आज मैकडी का बर्गर मिलने वाला। नहीं मिले। अबे चल मैं तो खाऊंगा। नहीं भाई मैं तो खाऊंगा यार। अरे नहीं यार बाहर का मत लो, अच्छी बात नहीं यार। वो लोग ठीक है जो घर पे बैठ के पिज्जा मंगा के खा रहे हैं, इतना हिसाब है सबका। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो यार अगर आपका मन माने तो आप खाओ, नहीं माने तो मत खाओ। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे, बट मेरा मन मान रहा है, मेरा मन कह रहा है खाने के लिए, क्योंकि भैया घर पे ना कुछ बना नहीं हुआ। घर पे एक्चुअली जो बना हुआ है ना वो मेरा खाने का मन है नहीं, सच्ची बात तो ये है। तो इस करके मैं सोच ही रहा था कि यार कुछ खाऊं कुछ खाऊं कुछ खाऊं, और तू आ गया, और फिर मैंने कहा चल फिर एक बारी देख तो ले कौन सी साइड से जाना हमने। ये देखिए रास्ता ऊपर जा रहा है, लिफ्ट लॉबी। ये लड़का कह रहा है कि हम ना पैदल ही जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे, और जाना थर्ड फ्लोर पे है। और पैदल जाएंगे, कुछ खाएंगे भी नहीं, किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे। ये तो यही है भाई, करना ही पड़ेगा। एक्चुअल में बताऊँ, लॉकडाउन अगर ख़त्म हो भी रहे थोड़ा सा, ये सारी प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी भाई, नहीं तो दोबारा से यही हालात हो जाएंगे। सही है ना भाई? एक्चुअल में देखो छोटा मोटा मजाक चलता रहता है, मेरे को पता है कि यार मेरी बातों को ना कई लोग सीरियस ले लेंगे और गालियां देना शुरू कर देंगे, बट रियलिटी यही है कि मेरी भी सोच यही है कि पैदल जाना है, फालतू की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, फालतू के लोगों के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना है और काम करके घर वापस आ जाना है। बट ये भाई बंद है? नहीं बंद नहीं है, बंद नहीं है, गेट लगा। नहीं गेट उसका, फिर अब क्या करें भाई? मैं तभी देखो कह रहा था एक बार गूगल खोल ले, वहाँ से रास्ता पता लग जाएगा। भैया गेट बंद है, अब दोबारा से नीचे उतरेंगे, अब दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे कहीं और से, जहाँ से रास्ता मिलेगा। सुबह से ना खाया मैंने कुछ भी नहीं है, और तू देसी वर्कआउट करवा रहा है। हाँ आ गए हम थर्ड फ्लोर पे। हाँ सही बात है। उनका पैकिंग तो ऐसे करिए, अभी नया लैपटॉप ले रहे हो, नया टैब ले रहे हो।
लेट में तो आपको फोन करे भी। भाई अंदर की तरफ आएगा ये अंदर से डोर बंद करना हो ना। हाँ तो यहाँ पे एक छोटा सा एक फुटरेस्ट लगाया हुआ है। ओके फुटरेस्ट आप खोलो पैर से ऐसे खुल जाता है। अच्छा अब ये पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। हाँ सही बात है। एक्चुअली मैं देख दो मर्जी बना हुआ है ठीक है तेरा काम तो हुआ नहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर आए थे ना तो लिनोवो के लिए इन्होंने मना कर दिया। कह रहे थे हम लोग ना लैपटॉप एंड कंप्यूटर देखते हैं ये टैब वगैरह नहीं देखते हैं तो उसके लिए उन्होंने ना हमें उसके लिए हमें उन्होंने नेहरू प्लेस के लिए बोल दिया कि आप नेहरू प्लेस चले जाओ। और ये लोग ना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अगर ये लोग फ़ोन उठा ले रहे ना तो हमारा चक्कर बच जाता और हम इतनी दूर नहीं आते। अब मैं मेन बात पर आ रहा हूँ। हमारा यहाँ पर अनाइस करके लिखा हुआ था क्योंकि हमने खा कर जाना था यहाँ से पेंटी के बर्गर। नहीं भाई यार खाएंगे यार इतना मच्छर नहीं खाना इतने टाइम से नहीं खाया थोड़ा वो रुक जाओ यार मना कर रहा है बताओ यार घर जाके मैगी खाएंगे। घर जाके मैगी खाएंगे ठीक है। घर पे अच्छा कुछ नहीं बना हुआ था खुद तो मैगी खानी आती है। हाँ तो मैगी खानी पड़ेगी। चलो ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है मान ली तेरी बात। पानी वानी नहीं है भाई नहीं पानी पिए तो कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी मैं पीकर आया हूँ भूख लगी हुई थी मेरे को वो तो कुछ खिला पिला नहीं रहा यार अब बहुत गलत बात कर रहा है बहुत गलत बात कर रहा है। जा मैगी अपने हाथ से बनाओ मुझे भी खिला दे। खाएगा मैगी बनाऊं। हाँ घर चलते हैं मैगी खाते ठीक है। चल ठीक है फिर तेरे को मैगी खिलाते हैं आज हम ओट्स वाली मैगी पड़ी हुई है घर पे। ठीक है भाई उसमें भी डाइट लिया है तो अभी तो बर्गर खा रहा था बाहर का गंद खा रहा था। लो जी अब तूने खाना तो ओट्स भी आ गए तेरे। भाई देख मैगी वूगी मैं यही वाली खाता हूँ मैं सिंपल वाली नहीं खाता मैं खाता हूँ तो ओट्स मैगी कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैंने इसकी ना गाड़ी चोरी हो गई है और गाड़ी जब बंदे की गाड़ी चोरी हो जाए फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फैमिली को कहीं पर लेके जाना है किस कहीं ज़रूरी काम से जाना है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना गाड़ी के नहीं पूरी होती हैं या कई बार ना बंदे को बिजनेस मीटिंग्स पे जाना पड़ता है तब भी गाड़ी की नीड पड़ती है तो लड़के की गाड़ी चोरी हो चुकी है कोई तो हेल्प कर दो बेचारे की। इंश्योरेंस वाले कर रहे हैं इंश्योरेंस वाले कर रहे हैं टाइम लगेगा बहुत भाई साहब इंश्योरेंस वालों ने ना बहुत ज्यादा वाला टाइम लगा दिया कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके इसकी गाड़ी चोरी हुई है ना भाई और 6 महीने से धक्के खा रहे हैं इंश्योरेंस वालों के। बट इंश्योरेंस वाले तो सुन के राजी नहीं। अब थोड़ा सा रीजन लॉकडाउन के चक्कर में भी डिले हो गया बाकी चलो होप फॉर द बेस्ट हो जाएगा। चलो ये वाला चिकन फ्लेवर है ना ये। हाँ यही वाला। हाँ जी चलो चलो आओ चलिए। वो कह रहा मुझे ले जाओ वो कह रहा मुझे ले जाओ। हाँ बस यही है ऐसे मेरा अभी तो चलेगा नाम से तेरा चलेगा। हाँ जी देखो यार इस बंदे ने ना मुझे तो कुछ नहीं खिलाया पर अपने डॉग्स के लिए खाना वाना ले लिया अपने। मैंने कहा चल कोई बात नहीं तूने ये काम ही बढ़िया कर लिया है तो भाई कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। भाई जूस पी लिया बस हो गया। बस हो गया घर जाके खाएंगे। हाँ घर जाके खाएंगे बाहर का नहीं खाना। बाहर का नहीं खाना मैं इसको ना क्या कह के थक गया हूँ कुछ खिला दे कुछ खिला दे कुछ खिला दे भूख लगी हुई है बहुत तेज वाली। कह रहा चुपचाप घर चल घर जाके खाएंगे मैगी वैगी डॉग्स के लिए खाना ले दिया डॉग्स को खिलाएगा। चलो यही सही है। तो यहाँ पर आज हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर पनीर वाले मोमोज पर ये आटे वाले हैं भाई साहब। और ये लेकर आए गुरप्रीत पाजी। गुरप्रीत पाजी कहाँ से लेकर आए हो आप ये? पाजी झूठ बोल रहे हो आपने जगह बताई है मुझे। तो पाजी एक्चुअली मेरे को कह रहे थे कि मेरा मोमोज खाने का और चाउमीन खाने का बहुत ज्यादा वाला मन कर रहा है तो हम लोग बाहर गए थे बाहर से जाके ना हमने ये मोमोज और चाउमीन लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट वाले हैं। और पर सबसे मेन बात कि ये मोमोज जो है ना ये आटे के हैं आटे के मैदे वाले नहीं है आटे वाले तो दिल्ली के अंदर ना बहुत कम जगहों पर मिलते हैं बट मोमोज मोमोज ही होते हैं चाहे जो मर्जी बोलो। पर खासकर जो मोमोज वाले भैया होते हैं ना उनका तो कोई हम घर पे जितने मर्जी मोमोज ट्राई कर लें बट जो मोमोज हमें बाज़ार से मिलते हैं ना वो घर पे टेस्ट निकलता नहीं है पता नहीं क्यों है ना पाजी। हाँ तो ठीक है। और पाजी मेरे को ना ये बोल रहे थे अभी गुरप्रीत पाजी कह रहे थे कि मेरे को मोमोज खाने हैं और मोमोज जो खाने हैं ना वो धर्मशाला जाकर खाने हैं सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस मिलते हैं। तो यार आप इनको बताओ कि धर्मशाला फेमस मिलते हैं कि दिल्ली फेमस मिलते हैं। आप यूट्यूब खोल के देखोगे ना
तो YouTube के अंदर मैक्सिमम मोमोज के बारे में ना दिल्ली की बातें करी होती है कि दिल्ली के मोमोज, दिल्ली के यहाँ के मोमोज, दिल्ली वहाँ के मोमोज, मतलब वहाँ की बातें ना, चलो ठीक है वहाँ पे ये चीज़ें आई वहीं से है, बट दिल्ली वालों ने ना इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। दिल्ली वालों ने ऐसे ऐसे टेस्ट निकाल दिए मोमोज के अंदर कि हमें ना दिल्ली के अलावा मोमोज कहीं और के अच्छे लगते ही नहीं। क्यों भाजी है ऐसी बात? एक बार ट्राई जरूर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धर्मशाला भी चल लेंगे, क्या दिक्कत है, ये तो रहा अपने पड़ोस में। क्यों नहीं, अभी जैसे हम देहरादून गए थे वैसे धर्मशाला भी चले जाएंगे, बट जाएंगे यार गवर्नमेंट परमिशन के साथ, कैसे नहीं जाएंगे, पंगा नहीं लेना। क्यों जी, बिल्कुल भाजी बिल्कुल, ट्राई जरूर करेंगे हम। चलो मोमोज खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 2 मिनट के बाद। सो हाँ जी गाइस, टाइम हो रहा है रात के ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुके हैं और अब का मेरा सीन ये है कि मेरे को अपनी ये वाली वीडियो एंड करनी है, बट एंड करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि भैया आजकल ना बहुत ज्यादा गंदी वाली क्रेविंग हो रही है खाना खाने के बाद मीठे की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, जब तक मीठा नहीं खाता ना ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, मीठा भी चाहिए। और आजकल गर्मी है ना तो मम्मा ने घर पे बड़े सही सही वाले शरबत बनाए हुए हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो वो सारी चीजों की गंदी वाली क्रेविंग होती है, उसके बिना ऐसा लगता है कि मेरी रोटी इनकम्प्लीट है। क्या ये चीजें आप लोगों के साथ भी होती हैं, एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। खासकर रात की रोटी खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग होती है कि नहीं होती है, मेरे को तो आजकल बहुत ज्यादा गंदी वाली हो रही है। सो आप लोगों को हो रही है कि नहीं हो रही, मैं आपके कमेंट सबके पढ़ूंगा भी। एंड एक चीज और बता दूं कि जो भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करेंगे ना, हम उनके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियो के अंदर शेयर भी करेंगे एज अ शाउट आउट की तरह। सो ऑल एंड ऑल आज देखो हमने छोटी सी वीडियो बनाई है एंड आई होप कि आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज गिव्स अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू शुड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। और देखो यार मैं बाहर का जो भी कुछ खाता हूँ ना वो बहुत ही देख के हिसाब से खाता हूँ, वीडियो के अंदर तो मस्तियाँ चलती रहती हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ना दिल पे मत ले लेना, ठीक है जी। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय बाय। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।